रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन बीते कुछ महीनों से बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। उसके पास हथियारों की भारी कमी है और उसके बार बार कहने के बाद भी अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस सहित उसके अन्य कई सहयोगी उसकी मदद के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रहे हैं। पहले तो इन मददगारों ने अपने स्तर पर यूक्रेन को सैन्य हथियार सहित अन्य मदद देकर उसे रूसी हमलों के प्रति जवाबी हमले में मजबूत किया, लेकिन जब उसके हथियार खत्म होने लगे और उसे और अधिक हथियारों की जरूरत महसूस हुई, तब उसके मददगार देश अपनी घरेलू लड़ाई और अन्य कारणों का हवाला देते हुए उसे मदद नहीं दे पा रहे हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अब एक नए हमले में उसने यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया है, जिससे यूक्रेन में लगभग 10 लाख लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। वहां के क्षेत्रीय प्रमुख का कहना है कि दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में बिजली नहीं है और ओडेसा में 53,000 से अधिक घर बिजली के बिना है। उधर यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री जर्मन गैलुशचेंको ने रूस पर यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली को बड़े पैमाने पर विफल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि यूक्रेन के पावर ग्रिड 2022 में युद्ध की शुरुआत से ही रूस के निशाने पर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इन नए हमलों से पता चलता है कि पश्चिमी सहयोगियों को यूक्रेन को अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम सहित अधिक सैन्य सहायता देनी होगी। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को सहायता मिलने में देरी की तरफ मददगारों को एक बार और आगाह करते हुए टेलीग्राम पर लिखा कि रूसी मिसाइलों में वैसी देरी नहीं होती जैसी हमारे देश की सहायता में हो रही है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रात भर में कम से कम 90 मिसाइलों और 60 शहीद ड्रोन से हमला किया गया। इन हमलों में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी रिह और विनित्सिया में हमले की सूचना है। रूस के इस हमले में यूक्रेन का सबसे बड़ा बांध डिनिप्रो SES भी था, जो ज़ापोरोजिया में स्थित है। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार इस बांध पर 8 बार हमला किया गया था। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक बांध को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन मिसाइल हमले के दौरान बांध पार कर रही ट्रॉली बस में आग लग गई, जिससे चालक की मौत हो गई। हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए रूस ने कहा कि ये रूसी क्षेत्र पर यूक्रेन के हालिया हमलों का बदला है। इस हमले में कम से कम 5 लोगों के मारे जाने और 14 लोगों के घायल होने की खबर है। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे कुछ समूहों ने बेलगोरोड और कुसर्क में जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया, जिसको लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि उन्होंने इस हमले में यूक्रेन को नाकाम कर दिया है। मंत्रालय के दावे के मुताबिक इस हमले में यूक्रेन के 1,500 सैनिक हताहत हुए थे और कई सैन्य हथियार भी नष्ट हो गए थे।